पहले मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, आपने ये शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाना पड़ा। ये जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके साथ जो इंटरेक्शन सेशंस हैं, ये जम्मू कश्मीर आर्टिज़न रिहैबिलिटेशन फोरम के हवाले से हैं। मैं परवेज़ अहमद भट्ट प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ में राइट साइड में नकाश साहब हैं, ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं आर्टिज़न रिहैबिलिटेशन फोरम के, और मेरे लेफ्ट साइड में हैं अल्ताफ़ काजमी साहब, ये हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनरल। ये जो आज हमारा सेशन है, ये इस हवाले से है कि गवर्नमेंट का एक रिसेंटली रिलीफ पैकेज फॉर द डेली अर्नर्स के हवाले से। इस ज़िमन में हमने वक्तन फवक्तन जो है, जितने भी ये जो हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स, ये सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये हमारे एसोसिएट हैं हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट से। और ये जो आज की हमारी आपके हवाले से जो जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर से वाबस्ता डिपार्टमेंट्स है, उनको बावर करवाना चाहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो हैं प्रपोजल्स हैं कि जो भी आर्टिजन्स की आज के डेट के अंदर हालात ज़ार है, वो बिल्कुल उनसे वो वक्तन फवक्तन हमने उनको आगाह कर दिया है। लेकिन आज के ये इस सेशन के हवाले से हम बिल्कुल इनको बावर ये करवाना चाहते हैं कि आपके पास जो भी रिपोर्ट्स आती हैं हैंडीक्राफ्ट के साथ, जितने भी मतलब हमारे सेगमेंट्स वाबस्ता है, बिल्कुल आज आपको बिल्कुल अपनी फिजिकल आंखें भी और जो जिसको हम बोलते हैं अंतरात्मा, वो भी खोलनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारी बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं आर्टिजन्स के हवाले से कि वो घरों में काम करते हैं, मतलब अभी लॉकडाउन के ऊपर भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो बिल्कुल सरासर कतन गलत है। हम ये बिल्कुल 2 साल से बावर करवा रहे हैं, और इवन जब से मान लो ये कोविड का मतलब हादसा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने पहली दफ़ा ऐसे दिन देखे हैं कि जो हमने पिछले 30 साल के टर्माइल्स में भी ऐसे हालात नहीं देखे हैं। क्योंकि हमारा आज की डेट के अंदर पिछले बिल्कुल 1.5 साल से यूरोप के अंदर जो भी ऑर्डर्स हमारे थे वो ख़त्म हैं, हमारे पास जो अमेरिका के ऑर्डर्स थे वो ख़त्म हैं, हमारे पास जो अफ्रीकन अरब से जो भी हमारे मान लो वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स थे वो बिल्कुल आज की डेट के अंदर ज़ीरो है। आज की डेट के अंदर कोई भी स्टॉक नहीं बना रहा है, कोई भी एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर्स नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं करवा रहा है, कोई हमारी लोकल सेल्स नहीं है, हम बिल्कुल डिक्लाइन ज़ीरो पे हैं। और ये जो आज की हमारी इंटरेक्शन है, इस हवाले से हम बिल्कुल कंसर्न जितने भी मतलब हमारे ये जो क्या कहते हैं इसको इस हैंडीक्राफ्ट से मुंसलिक इदारे हैं, उनको बावर करवाना चाहते हैं कि हम अभी कोई आपको रिवाइवल पैकेज नहीं मांग रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के हवाले से। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो आर्टिजन्स और व्यूवर्स बचे कुचे हैं वो बच जाएँ, वो इस कोविड के इम्पैक्ट से बाहर आके कम से कम ऐसे ज़िंदा रहें कि कल को 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो कोई यहाँ शाल बनाने वाला हो, कोई कालीन वीवर हो, कोई वुड का कार्विंग करने वाला हो, कोई कॉपर के साथ जो हमारे मुंसलिक हैंड आर्टिजन्स है वो हो, कोई वीवर्स हो, कोई पश्मीना बनाने वाले हो, तो उनको हमें अभी बचाना है। जैसे मान लो एक ये जो एक बिल्कुल जो मतलब मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट भी नहीं है जो ये पैकेज हुआ है, उसमें से बिल्कुल हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दी है, और अभी हम चैम्बर के हवाले से भी और जो एलजी साहब हैं उनको भी ऑलरेडी हमारी पीछे भी कुछ मतलब याददाश्तें गई हैं, दोबारा से हम उनको अपनी याददाश्तें भेज देंगे। और इसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर है उनसे भी हमारी इंटरेक्शन हुई है पीछे भी इस ज़मन में, और इसके अलावा जो हमारे ये इंडस्ट्रियल कमिश्नर हैं उनसे भी, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर से वाबस्ता मतलब हजरात हैं जो भी जिम्मेदारान हैं, उनको हम बावर करवाना चाहते हैं कि ये जो अभी पैकेज आया है इसमें किसी भी तरीके से आर्टिज़न को इंट्रोड्यूस करना है। और गवर्नमेंट के इदारों से तो हमने ये सुना है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि जो भी यहाँ का आर्टिज़न है ये ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान का किसान है। क्योंकि अगर वहाँ किसान एक रीढ़ की हड्डी है, यहाँ का आर्टिज़न यहाँ की इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, और जिससे कम से कम नहीं तो बहुत सारे हमारे जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स के जो एक मतलब यहाँ की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है। अभी हमने ये हम कोई रिवाइवल पैकेज नहीं, क्योंकि अभी ये समझ लीजिए एक किस्म का मतलब एक ऐसे हालात है जिसमें सिर्फ अपनी जान बचानी है। हम ये कहते हैं कि बस हमारे आर्टिजन भी बचने चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है आज, वो हैं जैसे शिकारा वाले, वो भी हमारे भाई हैं। हम तो कहते हैं भाई उनको दे दो,
लेकिन एक चीज़ है, आर्टिज़न कम्युनिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल आपको पता ही है कि हालात क्या है। अगर इस टाइम मतलब हम उनको नज़रअंदाज करते हैं तो ये तो कोई ऐसी मतलब लॉजिक ही नहीं है। बस हमारा इसी ज़िम्न में है कि जैसे उनको इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है, दूसरे डेली अर्नर्स को अकोमोडेट किया है, तो इस इनको भी मतलब जो है अकोमोडेट करने की ज़रूरत है। देख लीजिए, एक चीज़ है, अभी हमने हमारे पास प्रपोजल्स ऑलरेडी हैं कि मतलब किसको किस तरीके से हम हैंडीक्राफ्ट को रिवाइवल करें, क्या करें। अभी आज की डेट के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम ये कह रहे हैं कि जैसे जो हमारे हर रोज़ कमाने वाले थे, डेली अर्नर्स थे, जैसे उनको अकोमोडेट किया जा रहा है मतलब मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, जैसे कोई ट्रैवल से रिलेटेड हमारा एक सेगमेंट है जो डेली अर्नर्स हैं, जैसे हमारे पोने वालाज हैं, जैसे हमारे दूसरे दूसरे मतलब फील्ड से रिलेटेड जो भी डेली अर्नर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा मेजर मतलब सेगमेंट है, मतलब जिसको मेरे हिसाब से कोई हमें वजाहत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट के साथ कितनी हमारी एक कम्यूनिटी वाबस्ता है। बिल्कुल, हमारे पास तो एक फिगर था कि हमारे पास करीब करीब अराउंड 3 लाख फैमिलीज़ थी जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, और जिनकी हालत ज़ार आज की डेट के अंदर अगर आप उनके साथ बैठेंगे, उनकी मतलब 24 आवर्स की लाइफ देखेंगे, तो आप बिल्कुल जो है ना मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे लोगों को कि भाई उनके हालात क्या है और से गुजर रहे हैं। सर आपने अभी ये जम्मू कश्मीर की बात है, सर वो जो इस टाइम जितनी भी हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल एज ऑन डेट मतलब अंडर कंसिडरेशंस ही हैं। मेरे ख्याल में आज अब उनको मजीद कंसिडरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और इस टाइम हमारी सिर्फ एक ही मतलब डिमांड है कि ये जो अभी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है रिलीफ पैकेज, उसमें आर्टिज़न कम्युनिटी को और व्यूवर्स कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाए। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।